दीगर शहर की सड़कों और बाजारों के बाद अब निराश्रित मवेशी सरकारी कार्यालयों में डेरा जमा रहे हैं। पंचायत समिति कार्यालय के प्रांगण में आराम करता हुआ मवेशियों का झुंड पंचायत समिति प्रशासन की अनदेखी और दीगरस नगर पालिका प्रशासन की लापरवाही की ओर इशारा कर रहा है। पेश दीगरस संवाददाता जुबेर खान की हर रिपोर्ट। दिग्रस शहर की सड़कों पर बेतरतीब तरीके से खड़े ऑटो और ऐपे यातायात को जटिल बना रहे हैं। वहीं शहर की सड़कों और बाजारों में घूमने वाले मवेशियों के झुंड अब सरकारी कार्यालयों में डेरा बनाकर आराम फरमाते नजर आ रहे हैं। मंगलवार की दोपहर को पंचायत समिति के प्रांगण में पेड़ों की घनी छांव में आराम की मुद्रा में बैठे इन मवेशियों की तस्वीरें इन बीसीएन के कैमरे में कैद हुई है। वैसे भी आमतौर पर यह बात प्रचलित है कि सरकारी कार्यालयों का और आराम का चोली दामन का नाता होता है। आराम के पूर्ण समाधान के लिए सरकारी कार्यालयों से बेहतर और कोई जगह हो ही नहीं सकती। यहाँ हर काम आराम की गति से आगे बढ़ता है। लगता है दिग्रस के आवारा पशुओं को भी आराम के यह सरकारी केंद्र स्थान खूब रास आने लगे है। शायद यही वजह है कि अब निश्चिंत होकर यहाँ आराम के लिए यह मवेशी अकेले नहीं बल्कि झुंड में चले आते हैं। लगता है कि मवेशियों में पंचायत समिति का यह आकर्षक प्रांगण बहुत फेमस हो गया है, इसीलिए यहाँ हर वक्त मवेशियों की टोलियों का आना जाना लगा रहता है। इन मवेशियों पर न सिर्फ पंचायत समिति प्रशासन मेहरबान है बल्कि नगर पालिका प्रशासन भी पूरी ईमानदारी से आवारा मवेशियों की आजादी का ख्याल रख रहा है। ऐसा नहीं है कि शहर में कांजी हाउस यानी गदे घाट या कोंडवाड़ा नहीं है। कांजी हाउस के होते हुए भी पालिका प्रशासन आवारा पशुओं को वहां कैद करने में शायद विश्वास नहीं रखता। फिर चाहे शहर की सड़कों पर बाजारों में यह मवेशी कितना भी आतंक क्यों न फैला दे। हालांकि निराश्रित मवेशियों को संरक्षित करने के लिए नगर पालिका में कांजी हाउस की व्यवस्था भी की गई है, लेकिन पकड़े गए मवेशियों की देखभाल से बचने के लिए पालिका के कर्मचारी इन मवेशियों के खिलाफ कार्रवाई करने से बचते नजर आ रहे हैं। एक तरह से पालिका के अधिकारी और कर्मचारी अपनी जवाबदेही से जिम्मेदारी से कन्नी काट रहे हैं, जिससे साफ हो जाता है कि कई सरकारी कर्मचारी अधिकारी काम से ज्यादा आराम में यकीन रखते हैं। इसीलिए खबर के शुरुआत में हमने कहा था आराम के पूर्ण समाधान के लिए सरकारी कार्यालयों से बेहतर और कोई जगह हो ही नहीं सकती। कहीं ऐसा तो नहीं कि सरकारी कार्यालयों के चक्कर काटते काटते आराम का यह रामबाण उपाय इन मवेशियों ने भी खोज लिया हो। खैर, बात चाहे जो भी हो, शहर की जनता की जमीनी स्तर की समस्याओं को दुत्कार कर पालिका प्रशासन के सातवें आसमान पर विराजमान बाजार विभाग और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों से मवेशियों को काबू में करने की मांग सरकारी कार्यालयों में आने वाले और दो पैरों पर चलने वाले मनुष्य प्राणी कर रहे हैं। बीसीएन न्यूज के लिए दिग्रस से जुबैर खान की रिपोर्ट।